हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं सिंगल नंबर प्रॉब्लम को सॉल्व। और हमें गिवन है एक नॉन एम्प्टी एरे ऑफ इंटीजर जिसका नाम है नम्स, जिसमें एवरी एलिमेंट अपीयर ट्वाइस एक्सेप्ट फॉर वन। मतलब कि उस एरे में जितने भी एलिमेंट्स हमें गिवन हैं वो सब एलिमेंट्स दो बार अपीयर हो रहे हैं, सिर्फ एक एलिमेंट को छोड़ के जो कि सिर्फ एक बार अपीयर हो रहा है। और हमें वही सिंगल एलिमेंट को फाइंड कर रहे हैं जो सिर्फ एक बार अपीयर हो रहा है। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है नम्स, ये एरे दिया हुआ है, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2, 2, 1। अब यहाँ पे आप देखो, दो दो बार अपीयर हो रहा है, लेकिन जो एक है ये सिर्फ एक बार अपीयर हो रहा है, और हमें इसी को ही प्रिंट कराना है। और इस वाले केस में क्या दे रखा है, हमें एक बार चार अपीयर हो रहा है, ठीक है। और जो ये वन एलिमेंट है ये कितनी बार अपीयर हो रहा है, दो बार अपीयर हो रहा है, और ये टू एलिमेंट भी दो बार अपीयर हो रहा है। मतलब कि एरे में एक एलिमेंट को छोड़ के जो कि सिर्फ एक बार अपीयर हो रहा है, बाकी सभी एलिमेंट्स एक से ज्यादा बार अपीयर हो रहे हैं, मतलब कि दो बार अपीयर हो रहे हैं, फाइन, ठीक है। और हमें वही सिंगल एलिमेंट को रिटर्न करना है। हम देखते हैं कैसे करेंगे। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट्स से 2, 2, 3, 3, 1, ठीक है। सबसे पहले हम मेथड का यूज करेंगे, यूजिंग ऑफ हैश मैप। हैश मैप एक तरह से डिक्शनरी होता है जिसमें हम की वैल्यू की पेयर में हम स्टोर करते हैं एलिमेंट्स को, फाइन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि एम्प्टी हैश मैप ले लेंगे, ठीक है। एक एम्प्टी हैश मैप हमने ले लिया। अब इस हैश मैप में हम क्या देखेंगे, हम ये जो एरे के एलिमेंट्स है इसको लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्स करेंगे, हर इंडेक्स पे देखेंगे, और हर इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसका काउंट जो है इसमें की वैल्यू की फॉर्म में स्टोर कराते जाएंगे, ठीक है। वो कैसे, पहले यहाँ से हमने स्टार्ट किया, जीरोथ इंडेक्स से हमने देखा ये 2 है, तो हम क्या इसमें हैश मैप में क्या स्टोर कराएंगे, एलिमेंट, और आगे जो इसकी वैल्यू होगी वो वैल्यू क्या होगी कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स अभी तक अपियर हुआ है, कितने नंबर टाइम्स अपीयर हुआ है, वन नंबर ऑफ टाइम्स, फाइन, ठीक है। तो ये ऐसे स्टोर होगा 2, और ये कितने नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर हुआ है, मतलब काउंट, ठीक है, वन टाइम, ठीक है। अब इस इंडेक्स पे आएगा हमारा पॉइंटर, ये फिर से 2 है, तो अभी इसमें क्या हो जाएगा, हमारा जो 2 है हैश मैप में, हम क्या स्टोर करेंगे कि 2 हमारा 2 बार अपीयर हो रहा है अभी तक, ठीक है। उसके बाद इस इंडेक्स पे वैल्यू आएगी, ये क्या 3 है, तो अभी 3 क्या है इस हैश मैप में नहीं है, तो क्या होगा, 3 का की वैल्यू की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, कितनी बार अपीयर हो रहा है, 3 अभी तक एक बार अपीयर हो रहा है, फिर दोबारा 3 आ गया, ठीक है। अभी 3 में क्या है, ये दो बार अपीयर हो रहा है अब तक, तो यहाँ पे +1 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब अभी तक जो 2 एलिमेंट था वो 2 टाइम्स अपीयर हो रहा है, और 3 एलिमेंट भी 2 टाइम्स अपीयर हो रहा है। अब हमारा जो पॉइंटर होगा यहाँ पे आएगा, अब ये क्या 1 है, ठीक है। अभी ये अब तक कितनी बार अपीयर हो रहा है, वन वन टाइम अपीयर हो रहा है, फाइन, ठीक है। तो ये हमारा हैश मैप बन गया, हमारे ट्रेवर्स करने के बाद हमने की वैल्यू की पेयर में स्टोर करा दिया हर एलिमेंट के काउंट जो कि एरे में अपीयर हो रहा है, फाइन, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट पूरा हुआ है, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे हम, कि हम दोबारा से जो हमारी एरे थी, क्या थी, एरे 3 और 1, ये हमारी एरे थी, तो हम क्या करेंगे, फिर से इस एरे को ट्रेवर्स करना शुरू करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हम जीरो थे इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे टिल लास्ट इंडेक्स को, और हम देखेंगे यहाँ पे एक चीज लगाएंगे, क्या हमारा जो 2 है, ठीक है, हम हैश मैप में फाइंड करेंगे क्या क्या जो 2 की वैल्यू है, 2 की वैल्यू क्या है, ये क्या 2 की वैल्यू 1 है, अगर 1 है तो हम उसे रिटर्न करा देंगे उस एलिमेंट को, अदरवाइज हम आगे बढ़ते जाएंगे। मतलब कि हमने पहले यहाँ पे देखा, हमने देखा क्या 2 की वैल्यू जो है ये वैल्यू क्या ये 1 है, नहीं है, तो हम आगे बढ़े, हमारा पॉइंटर यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है। फिर देखा क्या हमारा जो एलिमेंट है ये वाला एलिमेंट, ठीक है, हैश मैप में इसकी वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है, 1 नहीं है, तो हम हमारा पॉइंटर इंक्रीमेंट हो जाएगा। फिर देखेगा क्या 3 की जो वैल्यू है, 3 हमारे हैश मैप प्रेजेंट है पहले से क्योंकि हमने ट्रेवर्स किया था, ठीक है। अब 3 की जो वैल्यू है क्या वो 1 है, नहीं है, वो 2 है, ठीक है। फिर जाएगा दोबारा पॉइंटर इंक्रीमेंट हो जाएगा, फिर देखेगा क्या 3 की वैल्यू 1 है, नहीं है, फिर जाएगा 1 पे। अब देखेगा क्या 1 की वैल्यू, ये जो 1 है इसकी वैल्यू क्या 1 है, यस इट इज 1, तो
तो हम क्या कर देंगे, अब रिटर्न करा देंगे हमारा ये वन, ये एलिमेंट, ठीक है। तो बट इससे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग ऑफ एन, बट जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हो गई, हमने एक यहाँ पे हैश मैप लिया है, एक्स्ट्रा स्पेस एक्वायर किया है हैश मैप के जरिए, तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या हो गई, बिग ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये था हमारा हैश मैप का यूज करके, फाइन, ठीक है। अब देखते हैं हम इसे बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड बिग ऑफ कॉन्स्टेंट स्पेस में कैसे फाइंड कर सकते हैं इस एलिमेंट को, ठीक है। मैं इसे पहले क्लियर कर देता हूँ। फाइन, ठीक है। अब हमारे पास वही एग्जांपल लेके चलते हैं, 22 23 एंड 1, ठीक है। ये हमारे पास एरे गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज लगानी पड़ेगी, बिट मास्किंग। बिट मास्किंग क्या है कि हम बिट वाइज ऑपरेटर्स का यूज करेंगे। बिट वाइज कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे यहाँ पे, एक्सोर ऑपरेटर। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि आपको जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे गिवन है कि सिर्फ एक एलिमेंट को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट 2 टाइम्स अपीयर हो रहे हैं एरे के अंदर। और एक्सोर ऑपरेशन में क्या होता है कि जब भी हम दो सिमिलर एलिमेंट्स का एक्सोर करते हैं तो वो कैंसिल आउट होके उसका आंसर क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। फाइन, तो उसका आंसर आता है 0। अब जब हम इस पूरे इन सब एलिमेंट्स का एक दूसरे के साथ एक्सोर करते हैं, लेट्स से 2 का XOR 2 के साथ, फिर 2 का XOR 3 के साथ, फिर 3 का XOR 3 के साथ, फिर 3 का XOR 1 के साथ, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट होगा, तो 2 का XOR 2 के साथ करेगा तो ये कैंसिल आउट होके हो जाएगा 0। अब 0 का XOR 3, 3 और 1, ये आएगा हमारे पास, ठीक है। तो अब क्या होगा, 0 का XOR किसी भी एलिमेंट के साथ हम जब करते हैं तो वो क्या आता है, हमारा जो आंसर आता है वो एलिमेंट आता है। पहले मैं ये बताता हूँ कि ये 2 का XOR, जब हम किसी सिमिलर एलिमेंट का XOR करते हैं उसका आंसर 0 क्यों आता है। 2 को बाइनरी फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 0 1 0, ठीक है, और फिर से 0 1 0, ये इस 2 के लिए, ठीक है। अब इनका XOR परफॉर्म करते हैं, जो XOR में क्या होता है कि दो 0 हो तो उसका आंसर भी 0 आता है, अगर 2 1 हो, ठीक है, तो उसका आंसर भी 0 आता है, ठीक है। और फिर से ये 2 0 है 0, तो इसीलिए हम किसी भी अगर सिमिलर एलिमेंट्स का एक्सोर करते हैं, दो सिमिलर एलिमेंट्स का एक्सोर करते हैं, तो उनका आंसर हमेशा 0 आता है, ठीक है। और जब भी हम किसी एलिमेंट को 0 के साथ एक्सोर करते हैं तो उसका आंसर वही एलिमेंट आता है। कैसे, अब 3 को कैसे लिखेंगे, 0 1 1, ठीक है, और 0 को कैसे लिखेंगे, 0 0 0। अब इनका एक्सोर करते हैं दोनों का, ठीक है, 1 और 0 का XOR करेंगे क्या आएगा, 1 1 0 का XOR करेंगे क्या आएगा, 1 0 0 का XOR करेंगे क्या आएगा, 0। अब ये देखो वही एलिमेंट आ गया, सेम एलिमेंट, ठीक है। मतलब 0 का XOR किसी एलिमेंट के साथ करते हैं तो हमारा वही सेम एलिमेंट रिटर्न होता है, ठीक है। अब यहाँ से 2 का XOR 2 करने के बाद 0 आया, 0 का XOR 3 करने के बाद क्या आएगा, हमारे पास 3 आएगा, ठीक है, 3 XOR 3 XOR 1, अब ये बचा हमारे पास। फाइन, अब क्या करेंगे, 3 का XOR 3 के साथ होगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब 0 का XOR 1 के साथ होगा क्योंकि आएगा 1 आएगा। तो मतलब हमारा एक्सोर करेंगे, अगर हम इन सब एलिमेंट्स को एक्सोर करेंगे एक दूसरे के साथ, तो क्या आएगा हमारे पास, एट द लास्ट एक एलिमेंट बचेगा एरे के अंदर जो कि एक बार अपियर हो रहा है, वही हमारे रिटर्न कर रहे हैं। फाइन, सो यही हम कोड में करेंगे, एक्सोर वाला परफॉर्म करेंगे कोडिंग के अंदर। सो फाइन, ठीक है। अब हमारे पास क्या गिवन है, एक एरे गिवन है नम्स, ठीक है। मैंने क्या लिया, एक वेरिएबल लिया एक्स इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0 क्यों लिया मैंने, यहाँ पे जो हमारे पास, लेट से हमारे पास ये एरे था 2 कोमा 2 कोमा 3 कोमा 3 कोमा 1, ये एरे था। मैंने क्या किया, फॉर एन इन नम्स मैंने इस एलिमेंट से लूप चलाई, हमने क्या किया एक्स को कर दिया एक्स एक्सोर एन, मैं एक्स को पहले 0 कर दिया, ठीक है। 0 का XOR अगर किसी भी एलिमेंट के साथ क्या करते हैं तो आंसर क्या आता है, वो एलिमेंट आता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 0 वेरिएबल यूज किया है। आप ऐसे भी कर सकते थे कि हमारा जो लूप है यहाँ से स्टार्ट करा दो, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करा दिया और इनका XOR एक दूसरे के साथ कर लो, ठीक है, वो भी आप कर सकते हो। और मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे वेरिएबल ले लिया, उसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया, और फिर उसके बाद हर एलिमेंट को एक्स में स्टोर करा देंगे XOR करने के बाद, और लास्ट में जो एक्स बचेगा वो यही बचेगा जो कि एरे के अंदर एक बार अपीयर हो रहे जो एलिमेंट, इसे हम रिटर्न कर देंगे। सो लेट्स रन, ठीक
fine. As you can see, it's pretty much efficient. And if you like this video, please subscribe my channel and press the bell icon also. Thank you so much.